अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स। खान साहब की गिरफ्तारी के चक्कर में ना पूरी पीडीएम चकरा कहीं रह गई है। ये जिसे निवाला समझकर निगलने की कोशिश कर रहे थे वो तो मजबूत हड्डी निकल आया और अब इन्हीं के गले में फंस गया है। ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। खान साहब की गिरफ्तारी की सबसे बड़ी ख्वाहिश शरीफ खानदान की है। ये लोग उनको जेल में देखने के लिए पिछली 3 रातों से नहीं सो पाए। यानी खान साहब ने पूरी कामयाबी के साथ पूरे खानदान की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। मोहतरमा नानी साहिबा तो इतनी शिद्दत पसंद हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि अब तक 2-4 TV और 1-2 iPhone तो तोड़ ही चुकी होंगी। इस सारे तनाजुर में सबसे ज्यादा नुकसान कैप्टन सफदर को हो रहा होगा, क्योंकि जब तक नानी को इमरान खान नहीं मिलते सारा गुस्सा वो कैप्टन सफदर पे ही उतार रही होंगी। ये तो इतनी शिद्दत पसंद है कि जब इन्हें और कुछ नहीं मिलता तो चाट पटवारियों को ही आपस में लड़वा कर अपनी चाह पूरी कर लेती हैं। एक अफवाह तो ये भी है कि जिस दिन से पुलिस खान साहब को गिरफ्तार करने निकली है उस दिन से सुल्तान राय की तशद्दुद वाली फिल्में देख रही हैं। मरियम बीबी तो इतनी शिद्दत पसंद हो गई हैं कि कहीं दो मुर्गों की लड़ाई हो रही हो तो उसको भी घंटों एंजॉय करती हैं। ये कलेजा चबाने वाली औरत इतनी शर पसंद है कि अगर कहीं दो लोग गुस्से में बातें भी कर रहे हों तो ये उनके बीच में जाके जब तक खून खराबा न करवा दे इसके दिल को चैन नहीं मिलता। अगर आप किसी समंदर में दो मछलियों को लड़ते हुए देखें तो समझ जाएं कि जरूर मरियम नवाज इनसे मिलकर गई होगी। सिर्फ मरियम ही नहीं पूरा पटवार खाना ही खूनी हो चुका है। ये लोग पुलिस वालों को सिर्फ इस बात पे गालियां निकाल रहे हैं कि मुजम्मत करने वालों को कम डंडे क्यों मारे। ट्विटर पे तो अजीब ही तमाशा चल रहा है। कोई पटवारी सुबह सुबह शुल्ली छोड़ता है कि आज तो खान साहब को गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा, तो सारे पटवारी अपने सारे काम छोड़कर 24 घंटे के लिए ट्विटर पर ही बैठ जाते हैं। इन बेचारे पटवारियों की मिसाल तो याजूज मजूज जैसी हो गई है। सारी रात दीवार चाट कर जब थक कर सोते हैं तो सुबह दीवार वैसे की वैसी ही होती है। पिछले 3 दिन से खान साहब ने इन 13 पार्टीज की हालत बिल्कुल ऐसी ही कर दी है जैसी इन 13 पार्टीज ने 30 सालों में पाकिस्तान की हालत की है। पीडीएम के बगल बच्चों की हालत सबसे ज्यादा पतली हो चुकी है। उनके जराए उनको खबर देते हैं कि आज तो खान साहब की गिरफ्तारी जरूर होगी और वो खुशी खुशी ट्विटर पर ट्वीट डाल के लोगों को इतला देते हैं। फिर वो खबर झूठी निकल आती है तो ट्वीट डिलीट करके दोबारा से सहाफी बनने की कोशिश करते हैं। वैसे पुलिस ने जितनी कोशिशें खान साहब को गिरफ्तार करने की हैं, अगर इतनी ही कोशिश चोरों को गिरफ्तार करने में करते तो आज कई शरीफ अंदर होते। इसी के साथ ही मुझे और टीम आफ्टर शॉक्स को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।